हो गया फोटो सबको काट रहा हूँ है और इसे रिफॉर्मो बोलते हैं इसका मैंने आज लॉन्च किया है वेल प्रवीण एंड महक दे बीन ट्रेनिंग मी जब से मैंने फिल्में स्टार्ट करी हैं जब से मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी है जब से मुझे फिटनेस का कीड़ा काटा है आई थिंक दे हैव बीन इन माई लाइफ मैं कहीं भी जाऊँ कोई भी फिल्म करूँ कोई भी शो करूँ ये हमेशा मेरे साथ होते हैं महक ने हमेशा मेरी पूरी डाइट का ध्यान रखा है मुझे क्या खाना है कब खाना है कितना खाना है एंड प्रवीण ऐसा ट्रेनर है जिसने मुझे सुबह 4 बजे भी वर्कआउट कराया है रात के 2:30 बजे भी वर्कआउट कराया है मेक श्योर किया है कि चाहे शूटिंग हो ना हो तू कहीं भी है वर्ल्ड में वर्कआउट ज़रूर करेगा ओके पहले से बहुत ज़्यादा फिट और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आपके अंदर फर्क दिख रहा है तो कितना मुश्किल था ये जर्नी को कैसे देखते हैं यार आई थिंक बहुत मुश्किल था आसान बिल्कुल भी नहीं था जो लोग बोलते हैं बहुत आसान था नहीं है इन दोनों को भी मैं बोल दूं जो हमेशा मुझे बोलते रहते हैं नहीं नहीं आसान है हो जाएगा बट हाँ एक डेडिकेशन एक डिसिप्लिन ज़रूर चाहिए लाइफ में वो मैंने डेफिनेटली इन लोगों से सीखा है बिकॉज मैं पंजाबी आदमी हूँ यार मेरे तो जब तक पराठे छोले भटूरे ना खाऊं तो मेरा दिन नहीं शुरू होता बट हाँ अब मैं बिल्कुल प्रॉपर प्रोटीन डाइट बॉयल्ड एग्स चिकन इन सब चीज़ों पे रहता हूँ द बेस्ट पार्ट इज़ ये लोग बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ों में बिलीव नहीं करते कि वो फैट बर्नर खा लो या रोज़ प्रोटीन शेक ही पीना है प्रोटीन शेक सप्लीमेंट्स डेफिनेटली लेता हूँ लेकिन अगर बहुत कुछ खाने को नहीं मिल रहा तो चलो एक स्कूप प्रोटीन शेक पी लिया सो इन चीज़ों में आई थिंक इसीलिए मुझे ज़्यादा मज़ा आता है इनके साथ ट्रेनिंग करना आई थिंक बॉलीवुड में आई थिंक अगर जिम की और फिटनेस की बात हो तो सलमान खान का नाम सबसे पहले आता है आई थिंक वो एक ऐसे एक्टर हैं जिनके कारण लोगों ने जिम जाना शुरू किया और मैंने भी दिल्ली में स्टार्ट किया था बट दिल्ली में वर्कआउट जो मेरा होता था वो सिर्फ बाइसेप्स का होता था बाकी हम कुछ किसी चीज़ पे वर्कआउट नहीं करते थे स्पेशली लेग्स तो पता ही नहीं था कि अच्छा इन पे भी वर्कआउट होता है सो आई थिंक हाँ सो आई थिंक एक्ट्रेस आई थिंक आजकल कटरीना कैफ बहुत फिट हैं एंड जितना वो वर्कआउट करती हैं जितना अपना ध्यान रखती हैं सो कमेंडेबल ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग मिकी वायरस बिकॉज फर्स्ट फिल्म थी तो मैंने प्रवीण को एक वीडियो दिखाया था उस फिल्म में मुझे बहुत दौड़ना था तो मैंने अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया दौड़ते हुए तो उसमें मेरा पेट अलग उछल रहा था गाल अलग जा रहे थे तो मैंने कहा ये तो नहीं चलेगा यार तो तब मैंने आके इनको बोला मैंने कहा मुझे फिटनेस स्टार्ट करनी है तो इन्होंने मुझे बोला कि अच्छा मुझे एक फ़ोटो दिखाओ कैसी बॉडी चाहिए और मैंने खुद ही गलती करी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी मैंने ब्रैड पिट की फ़ोटो दे दी इन्हें और वो करने के लिए इन्होंने जो मुझे तोड़ा है जिम में लेकिन हाँ उस फिल्म की एक फोटोग्राफ है जो एक्चुअली जब हमने बाद में कंपेयर की थी नॉट दैट कि मैं ब्रैड पिट लग रहा था बट यस इट वाज वेरी क्लोज टू दैट मनीष है यहाँ पे ओके चलो गाइस एवरीबॉडी